हेलो दोस्तों, और बताओ यार, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है जेई मेंस की? अब तो कुछ ही टाइम बच गया। हाँ, 2 मंथ्स है, लेकिन वो भी कब निकल जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो यार, मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ लास्ट मंथ्स की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मेरे को इंस्टा पे, टेलीग्राम पे। और मेरे को तो यार, तुम जानते होगे, तुमने मेरे को देखा होगा PW के बहुत सारे इंटरव्यू में या और भी चैनल्स के इंटरव्यू में। तो बस मैंने जो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टिप्स बताई है, उन पे ध्यान रखना और अच्छे से मेहनत करना। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू तो देखो यार, जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग की टिप्स बता रहा हूँ वो एकदम बेसिक है। अगर मैं वो तुम्हें नहीं भी बताऊँ तो चलेगा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। पहली टिप ये है कि अभी तुम्हें अपने सारे अनप्रोडक्टिव टास्क पे टाइम स्पेंड करना कम्प्लीटली स्टॉप कर देना चाहिए। जैसे कि मान लो तुम कोई वेब सीरीज देख रहे थे पहले, या कोई एनिमे देख रहे थे, या कोई गेम्स को अभी कम्प्लीटली स्टॉप कर दो, क्योंकि अभी लास्ट का ही टाइम है, अभी तुम्हें अपनी पूरी मेहनत करनी है। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो, जैसे तुमने लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी की है या फिर तुमने टेस्ट दिया है, तो उसके लिए तुम 30 मिनट का कोई ब्रेक लो, तो वो इतना तो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टाइम तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो उन्हीं चीज़ों पे, तो वो स्टॉप कर दो। दूसरी टिप ये है कि तुम्हें अपनी अब स्लीप साइकिल एकदम सही कर लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। अगर तुम पहले लेट नाइट स्टडीज़ कर रहे थे, तो उसको तुम्हें थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है पेपर 2 शिफ्ट्स में होता है, 9 to 12, 2 to 5। तो अगर सोचो, अगर तुम अपना लेट नाइट स्टडी का ही पैटर्न फॉलो कर रहे हो, मान लो तुम रात के 2-3 बजे तक पढ़ रहे हो, फिर सुबह लेट उठ रहे हो, तो फिर तुम्हारी बॉडी को वही हैबिट हो जाएगी। पेपर वाले दिन भी तुम्हें आदत होगी कि तुम लेट नाइट को तुम्हें ही नींद आती है, तुम्हें ज़्यादा लेट ही नींद आती है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा पेपर स्पॉइल हो सकता है। तो अभी से तुम अपने स्लीप पे कंट्रोल रखो और कोशिश करो कि 7 के अराउंड तुम दिन में उठते रहो। तीसरी टिप ये है कि तुम्हें पता है, जैसे मैंने बताया, पेपर का पैटर्न 9 to 12, 2 to 5 होता है, तो तुम्हें ये करना है, 9 to 12 और 2 to 5 तो तुम्हें रोज़ पढ़ना ही है। अच्छे से तुम्हें एक सीटिंग लगानी है 9 to 12 की, और एक सीटिंग लगानी है 2 to 5 की, ताकि तुम उस टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन सोल्व करने को हैबिचुअल हो जाओ। उससे तुम्हारे पेपर अटेम्प्ट करने पर फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट टिप ये है कि तुम्हें अब पीयर प्रेशर नहीं लेना है। जैसे मान लो तुम्हारे दोस्त ने, तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, वो तुम्हें बता रहा है कि मैंने तो इतने चैप्टर कर लिए, मेरा तो इतना सिलेबस हो गया, और फिर तुम सोच रहे हो कि मेरे तो इतने ही चैप्टर हुए हैं, वो तो मेरे से आगे निकल गया, उसने और वो बुक भी कर रहा है, वो उसने और PYQs कर लिए। तो तुम्हें पीयर प्रेशर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस लास्ट के टाइम पे सब अपने अलग पेस से कर रहे होते हैं, और सब अपने अलग तरीके से कर रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है और किस पेज से कर रहा है, उसने पहले कैसे कर रखी हैं। तुम्हें सिर्फ अपने पे ध्यान देना है, तुम्हें सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करने पे फोकस रखना है। दूसरों से तुम्हें प्रेशर लेके डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फुल फोकस रहना है। हाँ, लेकिन ये बात याद रखना कि कभी तुम सोचो कि फर्स्ट अटैम्प्ट मैं यूँ ही छोड़ देता हूँ, मैं सेकेंड पे फोकस करता हूँ, अभी से मैं सेकेंड की तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो सेकंड में अच्छा कर लूँगा, अच्छी परसेंटेज बना लूँगा। लेकिन तुम ये याद रखो कि अगर तुमने एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से कर लिया और तुम्हारी उसमें अच्छी सी परसेंटाइल स्कोर है, तुम्हारा अच्छा सा NIT एकदम सिक्योर्ड है, तो तुम डायरेक्ट वहाँ से एडवांस की तैयारी के लिए निकल सकते हो। तुम्हें दोबारा फिर मेंस पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो ये रखो कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जितना जोर लगाना है वो कर दो। एक बार तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट निकल गया, तो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम डायरेक्टली फिर एडवांस की प्रिपरेशन पे शिफ्ट हो जाओगे, और उसको भी बहुत अच्छे से करोगे। तो मेक श्योर दैट योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर लास्ट अटेम्प्ट, नॉट रिलाय ऑन द सेकेंड अटेम्प्ट फॉर श्योर। मेरी अगली टिप ये है कि कोई भी ऐसे परसेंटाइल का टारगेट सेट मत करना कि मेरे को तो इतनी परसेंटाइल लानी है, मेरे को तो 99 लानी ही है तुम्हें, क्योंकि ये देखो कि तू
कि जो परसेंटाइल आनी है और तुम्हारे पेपर वाले दिन जो मार्क्स आने हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें नहीं पता कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तुमसे कितने होंगे, उस शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे हैं, कैसी परसेंटाइल आएगी, तो वो तुम नहीं बता सकते। तुम्हारे हाथ में सिर्फ यही है कि तुम्हारी मेहनत तुम्हारे हाथ में, तुम अभी सिर्फ वही चीज़ कर सकते हो, तुम सिर्फ पढ़ाई ही कर सकते हो, तुम अपना बेस्ट पोटेंशियल दे सकते हो। तो तुम्हें अपना फुल पोटेंशियल देना है अपनी पढ़ाई पे, जो भी परसेंटाइल होगी वो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे बेस्ट के लिए आ जाएगी, तुम्हें सिर्फ अपना 100% देना है। डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस। और अब जो मेन बात आती है कि भैया अब रिविजन कैसे करना है, क्योंकि लास्ट का टाइम है, हमने पढ़ तो 11th 12th में बहुत सारा रखा है, बहुत सारी बुक्स भरी हुई हैं, नोटबुक्स भरी हुई हैं, तो उनको कैसे अब हम रिवाइज करना है। तो देखो, तुमने अगर 7 की 7 ईयर लॉन्ग बैचेस में तुमने नोट्स बनाए हैं या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो तो बहुत ही अच्छे। अब तुम्हें ऐसे रिविजन करना है, तुम्हें क्लास नोट्स की ऊपर ऊपर से रीडिंग लेकर शॉर्ट नोट्स बनाने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तुमने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज या टीचर ने बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ऐसे टाइप के सवाल रिपीट हो रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करने हैं। और मान लो तुमने जो कोई बुक मॉड्यूल की हो तो उसके तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स, या तुम्हें और लगा कि इसमें ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, वो एड ऑन करके तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने अपने। और अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद बताऊं कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो। तुम्हें अगर एक और एडिशनल वीडियो चाहिए शॉर्ट नोट्स के लिए तो मैं वो भी बता सकता हूँ। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की बच्चे यूँ सोचते हैं रिवीजन के लिए जो चैप्टर उन्होंने कर रखा है वो यूँ सोचते हैं अब वन शॉट देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, लेक्चर देख के कभी भी रिवीजन नहीं होता, क्योंकि तुम खुद सोचो तुमने क्लास नोट्स क्यों बनाए हैं, जब उनका तुम एंड पे आके रिवाइज ही नहीं कर रहे तो उनका क्या फ़ायदा हुआ बनाने का। यूँ नहीं होता कि कभी भी तुम लेक्चर देख के रिवीजन कर रहे हो, दैट्स रॉन्ग वे। रिवीजन की वही तरीका है क्लास नोट्स को रिवाइज करके। लेकिन ये तो वो हो गया कि जो चैप्टर्स तुमने अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं, नोट्स वगैरह हैं, उनको कैसे रिवाइज करें। लेकिन ऐसे भी तो चैप्टर होंगे जो तुमने कर ही नहीं रखे, तुम्हारे 2 3 10 20 ऐसे चैप्टर्स बच रहे हैं तो उनका क्या, या फिर तुम्हारे छोटे छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं। तो देखो, अगर छोटे छोटे टॉपिक्स बच रहे हैं कुछ चैप्टर्स के, तो वो तो तुम जो बैचेस के लेक्चर नोट्स से या तुम्हारे कोचिंग के नोट्स से वो आराम से कर सकते हो, जो टॉपिक्स बच रहे हैं उनका कोई वो नहीं। अगर मान लो तुम्हारे 2 3 चैप्टर बच रहे हैं तो उनको तुम वन शॉट सीरीज से कर सकते हो, जैसे अभी PW की मंजिल सीरीज चल रही है, तुम वहाँ से वन शॉट कर सकते हो। हाँ, वन शॉट का भी यूँ है कि तुम यूँ कर सकते हो, उसको 2x पे देख सकते हो और जो ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर सकते हो। और जो टीचर्स ने इम्पोर्टेंट बातें बोली हैं, जैसे ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का ट्रेंड आ रहा है आजकल, तो वो तुम नोट डाउन कर सकते हो। और एकदम फोकस रहना, क्योंकि तुम सारी पॉइंट्स नहीं लिख रहे हो उसमें, जैसे सर डेरिवेशन वगैरह करवा रहे हैं तो उसको अच्छे से एकदम सुनना, यूँ नहीं कि उसको स्किप कर दिया, एकदम सुनना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने, ताकि तुम्हारे आइडिया रहे बैक ऑफ द माइंड कि ऐसे अप्रोच किया था, ऐसे एलिमेंट लिया था, ये वगैरह तुम्हारे रहे दिमाग में। और तुम क्वेश्चन सर जो क्लास में करवाएं उनको अच्छे से कर सकते हो, बेसिकली PYQs ही करवाएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाएंगे तो वो भी तुम कर सकते हो। तो देखो यार, अब मैं तुम्हें सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। जैसे फिजिक्स में 2023 का पेपर देखें तो कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस थे और इतना हाई लेवल नहीं था, रोटेशन के भी बहुत कम सवाल थे। तो अगर उससे हम आइडिया ले तो फिजिक्स कंपेरेटिवली इजी ईयर साइड मान के चल रहे हैं इस साल भी। तो तुम्हें फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए, फॉर्मूले तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर के टाइम तुम फॉर्मूले ही भूल गए, कोई फैक्टर मिस कर दिया तुमने, तो उस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक में देखे तो जैसे इनऑर्गेनिक में तो मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक हटाई दी, कोऑर्डिनेशन DNF ब्लॉक बचा है, तो उनकी तुम NCERT की रीडिंग ले सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। फिजिकल में एज सच कोई NCERT पढ़ने की नीड नहीं है, वह तो तुम क्लास नोट से कर सकते हो और वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही आ रही है। हाँ, ऑर्गेनिक के लिए तुम NCERT की रीडिंग ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो और बाकी तुम्हारे टीचर के क्लास नोट सफिशियंट है। मैथ की बात करूँ तो जो 2023 की मैथ्स थी वो 2022 के कंपैरिजन में तो कम ही लेवल की थी, ऐसी थी शिफ्ट जिसमें मैथ्स टफर साइड पे थी, लेकिन 2022 की मैथ्स बहुत अच्छी थी। तो मैथ्स के लिए तुम्हें ट्राई करना है कि तुम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, PYQ अच्छे से करो और फोकस करना 2022 के PYQs को अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैथ्स टफ साइड आ सकती है, तो उसका उस बात का तुम ध्यान रख।
हाँ, और जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, उनके लिए तुम एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, उससे काम हो जाएगा। और प्योरिफिकेशन के पीवाईक्यूज भी कर सकते हो तुम, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे तुम्हें मेंस के, वो तुम सारे पीवाईक्यू कर सकते हो। हाँ, अब ये बात आती है कि हमने रिविजन का तो देख लिया, नोट्स वगैरह देख लिए, शॉर्ट नोट्स, तो अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? तो इस एंड पे कोई भी तुम यूँ मत करना कि कोई बुक्स लगा रहे हो, कोई मॉड्यूल लगा रहे हो। लास्ट मंथ्स के लिए बेस्ट इज पीवाईक्यू, क्योंकि उसी ट्रेंड पे सवाल आते हैं जेईई मेंस के। ऐसा नहीं होता कि कोई नया ही सवाल आ गया, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं ट्रेंड्स के बेसिस पे। तो तुम्हें पीवाईक्यूज देने हैं एज ए टेस्ट। 2020 से 2023 के तुम 4 ईयर के पीवाईक्यू कर सकते हो, लेकिन ये उनमें भी बहुत सारी शिफ्ट्स हैं, तो तुम्हें कैसे डिसाइड करना है? तो तुम YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो कि जैसे मैथोंगो वाले सर हैं, उन्होंने भी बता रखा है कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी। उस हिसाब से तुम सेग्रीगेट कर सकते हो कि कौन सी हार्ड शिफ्ट थी, कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी इजी थी। तो उस हिसाब से तुम हार्ड के 2 कर लिए, मॉडरेट के 2 कर लिए, 2 इजी के कर लिए। तुम्हें सारे 28-30 पेपर करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे सेग्रीगेट करके हर ईयर के पेपर्स कर सकते हो। तो देखो यार, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तुम्हारा कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा ही, जैसे मान लो तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो तुम क्या करते होगे पेपर देने टाइम कि तुम पहले फिजिक्स को उठा रहे हो, देन केमिस्ट्री या मैथ कर रहे हो। तो देखो, उसमें एक प्रॉब्लम है, तुम पेपर को ऐसे ट्रीट किया करो जैसे पेपर इज ए बंच ऑफ 75 क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन सारे इक्वल है, क्योंकि हर क्वेश्चन तुम्हें 4 नंबर ही देगा, ताकि चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो। तो तुम्हें फर्स्ट राउंड में तुम्हें पूरे पेपर में गो थ्रू हो जाना है, और तुम्हें वो क्वेश्चंस करने हैं जिनको देखते हुए तुम्हें आइडिया लग जाए कि ये तो आसान है, ये मैंने पढ़ रखा है, ये मेरे इजीएस्ट टॉपिक का सवाल है, या फिर ये तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो तुम्हें पहले उन क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए और कॉन्फिडेंस गेन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इससे ये फायदा हुआ कि अब तुम्हारा कोई भी पेपर में आसान क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे मान लो तुम पेपर दे के आए और कभी रिग्रेट रह जाता है कि ये आसान क्वेश्चन था और ये मैं टाइम लिमिट की वजह से नहीं कर पाया, तो अब ईजीएस्ट क्वेश्चन तुम्हारे एकदम हाथ में है। दूसरे टाइम पे तुम्हें वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो तुम्हें लगे लेंदी हैं, जिनकी लैंग्वेज लंबी दे रखी, या जिन्हें देख के तुम्हें लगे कि ये हो जाएगा लेकिन थोड़ी कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी, तो तुमने उनको करना है अच्छे से। नेक्स्ट राउंड में तुम वो क्वेश्चंस कर सकते हो जो तुम्हें देखते ही लगे कि ये तो नहीं होना मेरे से, या जो कोई टफर साइड के क्वेश्चंस होते हैं तुम्हें उनको ट्राई करना है। ऐसे करके तुम्हें अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि पेपर में तुम्हें सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, यूँ नहीं करना कि तुमने क्वेश्चन सारे पढ़े ही नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि कोई क्वेश्चन है जिसकी लैंग्वेज लंबी है या थोड़ी हार्ड है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि बाद में उन लैंग्वेजेस का कोई काम ही नहीं था, वो बेसिकली एक डमी क्वेश्चन था, वो पैराग्राफ यूं ही दे रखा था और वो आसानी से सोल्व हो रहा था। तो मेक श्योर कि तुम सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट पढ़ना तुम्हें जरूर है। अब बात आती है कि टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज कैसे करना है। तो देखो, तुमने टेस्ट दे लिया, तुम्हारे मार्क्स सामने, और कितने तुम्हारे करेक्ट है, इनकरेक्ट है, कितने तुमने लेफ्ट किए वो सामने। अब तुम्हें वो देखना है कि जो तुमने इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए हैं वो किस रीजन की वजह से हुए हैं। या तो तुमने जैसे सिली मिस्टेक्स कर दी, जैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, या फिर तुमने क्वेश्चंस का डाटा लेने में मिस्टेक कर दी, या यूनिट्स में मिस्टेक कर दी। यूनिट्स में मिस्टेक जैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में होता है, जैसे आंसर मिली ओहम्स में देना था, तुमने ओहम्स में दे दिया, तो ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो तुम्हें अपनी मिस्टेक्स देखना है, जैसे यू हो सकता है जो लेफ्ट क्वेश्चन है उसमें टाइम नहीं मिला हो, तुमने एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया हो, तो वो उनको तुम्हें एनालाइज करना है और ट्राई करना है कि अपनी सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज हो। और ये सवाल आता है कि सिली मिस्टेक्स कैसे मिनिमाइज होंगी? भैया, हम तो अच्छे से एकदम पेपर के टाइम कंसंट्रेट होके देते हैं, तब भी पता चलता है लास्ट में कि सिली मिस्टेक्स कर दी। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं बहुत अच्छे से कंसंट्रेटेड होके पेपर दे रहा हूँ, तब भी लास्ट में 5-6 सिली मिस्टेक, 10-12 सिली मिस्टेक्स हो ही जाती थी। तो इसके लिए तुम्हें यह करना है, जितने ज़्यादा टेस्ट हो उतने तुम्हें टेस्ट देने हैं। लास्ट की वीक में मैंने रोज टेस्ट दिए और मेरी सिली मिस्टेक पहले 10-12 होती थी, फिर धीरे धीरे कम होती गई, और फाइनल पेपर में सिर्फ 4 मार्क्स की सिली मिस्टेक हुई थी। तो मेक श्योर कि तुम्हें पेपर अच्छे से देना है और बहुत ज़्यादा पेपर देने हैं तुम्हें।
क्योंकि लास्ट के टाइम पे जैसे तुम मॉक टेस्ट दे के हैबिचुअल हो जाओगे एक्चुअल पेपर के, तो तुम एक्चुअल पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हो। हाँ यार, एंड में यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से मेहनत करना। और मैं थोड़ा रूम दिखा देता हूँ। हाँ, रूम टूर भी आएगा। तुम अच्छे से मेहनत करो बस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।